Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard science, is number 11, that is cell structure and microorganisms. Students, इसके explanation सारे chapters के uploaded हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे answer इसके playlist में, ठीक है. और ये मैं आपको digest का answer बता रही हूँ आपके comments में. already मैंने इस पर video बनाया है, लेकिन last के दो page blur हैं, इसके लिए आपको problem हो रही है, तो मैं वापस से बना रही हूँ. यहाँ पे देख सकते हो आंसर इसका, ये जो स्टार्टिंग में आंसर्स पूछे जाते हैं उसके हैं आंसर. आपको प्रॉब्लम इसलिए भी ज़्यादा होती है, बहुत सारे बच्चे 360 पे नहीं देखते, 480 पे नहीं देखते, रिजोल्यूशन लो करके देखते हैं. इसलिए लाइक 144 240 पे देखोगे तो आपको ब्लर दिखेगा, ठीक है, कुछ नहीं क्लियर होगा. और इसलिए 360 या 480 पे देखोगे तो अच्छे से क्लियर दिखेगा. जो आंसर स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग के आंसर कुछ पूछे जाते हैं, जैसे ये सब आंसर पूछे गए आपको, तो आप देख लो इसके आंसर्स दिए गए हैं. चैप्टर लेंदी है, क्वेश्चन आंसर भी बहुत है. तो यहाँ पे पूछा गया है माइक्रोइज्म क्या है, तो उसका यहाँ पे लिखा गया है जो हमें नेकेड आई से ना दिखे, ठीक है, जो अर्थ पे रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास होते हैं बट हम उन्हें नहीं देख सकते, हम उन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे कैटेगराइज करना है आपको ऑर्गेनिज्म्स को दो ग्रुप्स में, ठीक है, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, स्नेल, एलिफेंट, पिजम, वर्म्स. तो यहाँ पे दिया गया है अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, ये सब माइक्रोस्कोपिंग साइज़ है, माइक्रोस्कोप की ही हेल्प से देख सकते हैं. बाकी ये सारी चीज़ें तो हमें दिखते हैं, बिगर एनिमल्स होते हैं, हम इन्हें नेकेड आई से भी देख सकते हैं. आगे देखते हैं आंसर इसके, ये सब तो आपके बुक के ही हैं, तो ये हम नहीं देखेंगे, ये क्वेश्चन आंसर नहीं है. हम डायरेक्ट आते हैं जो आपके क्वेश्चन आंसर है उस पर देखते हैं. What happens to the sweet meat or bread forgotten to the lunch box? यही सिंपल सी चीज़ है, कुछ दिनों के लिए अगर हम छोड़ दें उसको ऐसे ही, तो हम क्या देखेंगे. तो यहाँ पे देखो लिखा गया है स्वीट मीट क्या होता है, नॉट कंज्यूमिंग टाइम इट बिकम्स रॉटेड, सड़ जाता है, और इसलिए ये खाने लायक नहीं रहता, नहीं खा सकते. और इसमें माइक्रोब्स आ जाते हैं स्वीट मीट पे, और जो वो एकदम ख़राब हो जाता है उनकी वजह से, माइक्रोब्स की वजह से ये ख़राब हो जाता है. और जो ब्रेड होते हैं वो क्या होते हैं, उस पर फंगस आ जाते हैं लंच बॉक्स में, ठीक है, जैसे हम रखे रहते हैं. तो इसे देख लो यहाँ पे, थोड़ा मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ ताकि आप इसका आंसर अच्छे से लिख पाओ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट डू वी डू विद सच स्पॉइल्ड फूड्स. स्पॉइल्ड फूड जो सड़ गए हैं, ख़राब हो गए, उनके साथ हम क्या करते हैं, वी थ्रो अवे स्पॉइल्ड फूड, हम उन्हें फेंक देते हैं. कंज्यूमिंग सच फूड विल कॉज हार्म टू हेल्थ, ऐसे खाने से क्या हो सकता है, हमारे हेल्थ को नुकसान पहुँचा सकता है. सो वी डू नॉट ईट इट, हम इसे नहीं खा सकते. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं. ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ऑलरेडी यहाँ पे आंसर सबके दिए गए हैं. फर्स्ट में आंसर ये आएगा, सेकेंड में ये आएगा, थर्ड में देख सकते हो ये पूरा दिया हुआ है, तो इसका तो मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा आंसर देख लो यहाँ पे. 360 480 पे करके आपको देखना है, क्लियर दिखेगा. ये देख सकते हो आप सेल ऑर्गेनेल्स और उसके फंक्शन में दिया गया है, उसका मैच किया गया है, और यहाँ पे आंसर दिया गया है. जैसे यहाँ पे देखिए मिटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, मिटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ पर देखो पावर हाउस ऑफ द सेल मैच किया हुआ है, पूरा आंसर देख सकते हो, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है एकदम. 360 480 पे आपको देखना है तो आपको क्लियर दिखेगा अच्छे से. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो दिया है, नेक्स्ट अभी देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है. ये सारे मैच द फॉलोइंग हैं, तो इसमें मैं आपको क्या समझाऊं, ये सारी चीज़ें आपने अगर लेसन्स पढ़े हैं उसके बाकी के क्वेश्चन आंसर आपको आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी. सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझना है तो आप अच्छे से समझ लेना, एक्सप्लेनेशन के वीडियोस अपलोडेड हैं, ठीक है. यही वाला है, ये वाला जो आंसर है प्लांट सेल और एनिमल सेल में मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे देखो इसका फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पे है, देख सकते हो यहाँ पे फोर्थ से स्टार्ट है, फोर्थ पॉइंट से. ये वाला अच्छे से क्लियर देख लो एक साइड का, फिर दूसरे साइड का भी क्लियर देख लो, यहाँ पे दिया गया एकदम क्लियर है, बिल्कुल ब्लर नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है. ये वापस से मैं बना रही हूँ वीडियो, ऑलरेडी अपलोडेड है एक, लेकिन वो थोड़ा ब्लर है, इसके लिए मैं वापस से यहाँ पर बना रही हूँ.
जैसे ही मुझे डाइजेस्ट मिला वैसे ही मैंने आपके लिए यहाँ पे इसके पिक्स लिए। ओके, सारे आंसर्स देख लो क्लियर हैं। इस साइड का मैं आपको जूम इन करके बता देती हूँ। यूकैरियोटिक सेल के फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। ओके, व्हाट इज़ अ सेल, सेल क्या है? तो आप देख सकते हो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ सेल। बाकी के आंसर देख सकते हो, डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो होते हैं सेल्स में, ये सारी चीज़ मैंने बहुत ही अच्छे से बताई हैं कि सेल में क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सब होते हैं उसमें। ठीक है, वेन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज, तो इसके आंसर देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर है आंसर। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ से देख लो पहले इसको अच्छे से, फिर इधर का देख लेते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। हम देख सकते हैं विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देख सकते हो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, एल्गाई एंड प्रोटोजोन्स आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये ब्लर है, इसकी स्पेलिंग नहीं दिखी है, तो यही स्पेलिंग है ये पूरा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हु डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, किसने ढूंढा? सो लुईस पाश्चर ने। ठीक है, ये तुम्हें पता ही है, आंसर देख लो इसका। वापस से बोल रही हूँ, 360-480 पे आपको आंसर देखना है वीडियोस। ठीक है, यहाँ पे आंसर देखिए, हु फॉर्मुलेटेड द थियोरी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, वेन, राइट द इन ब्रीफ अबाउट द थियोरी। यहाँ से देखो दिखेगा, क्लियर दिख रहा है। एक बार ऐसे देख लो पूरा आंसर, फिर उसके बाद मैं आपको हाफ हाफ करके दिखाती हूँ आंसर, ताकि अच्छे से क्लियर आप लिख पाओ। जूम इन करके बता देती हूँ इसके। यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो यूजेस तो बहुत हैं, वेस्टेज और सीवेज को डिकम्पोज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, हमारे यूज़ के यूज़फुल तो है ही हमारे लिए। सेकेंड पॉइंट यहाँ है, देखिए, बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, देखिए द एनवायरमेंट क्लीन, क्लीन करते हैं एनवायरमेंट को। फर्टिलाइजर्स भी प्रिपेयर किए जाते हैं जो वेस्ट मटीरियल होते हैं उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बायोगैस प्लांट से प्रिपेयर किया जाता है, बायोगैस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही। तो ये पूरा आंसर दिया गया, क्लियर है बिल्कुल। और यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, बहुत ही सिंपल आंसर है ये, और ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस देख सकते हो। जो माइक्रोब्स होते हैं रिजाइडिंग इन द सॉइल, रूट, नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, हेल्प इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ तो हमने पढ़ी हुई हैं कि उसके रूट्स में भी कैसे होते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रोबिज्म, उसके हार्म भी कुछ हैं जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, जिससे वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, ये सारे आंसर देख सकते हो आप यहाँ पे। एक बार वापस ये पिक्स दे सकते हो आप पूरा। यहाँ पे देख लो आंसर इसके, ये जो मैंने अभी आपको बताया वही है आंसर, ऊपर जो बताया था सेकंड पेज का वही आंसर है। वापस से अगर वहाँ पे क्लियर नहीं है तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, देख सकते हैं। इसे मैंने डिलीट नहीं किया है, दोनों पेज लिया है इसका। अगर वहाँ से क्लियर नहीं है तो यहाँ से देख सकते हो, पूरा क्लियर है। ओके,
वही आंसर है, सेम है, सेम पेज है, देख सकते हो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वही है ना, यहाँ से आप लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन ये है, वेन विल यू यूज़ अ सिंपल माइक्रोब्स माइक्रोस्कोप एंड वेन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये डिटेल में बताना है। तो सिंपल है, सिंपल माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं लेसर मैग्निफिकेशन के लिए, ओके, ऑब्जर्व कर सकते हैं इंसेक्ट पार्ट और या फिर फ्लावर के पार्ट्स देख सकते हैं हम माइक्रोस्कोप के नीचे, लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोब्स होता है वो यूज़फुल होता है माइक्रोब्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आंसर, यहाँ पे देखिए पूरा क्लियर है, बिल्कुल भी ब्लर नहीं है, 360/480 पे देखोगे एकदम क्लियर दिखेगा आपको, इजीली देख के लिख सकते हो। बार बार एक ही क्वेश्चन आप पूछते हो स्टूडेंट्स कि आप मिस आप कौन सा ऐप यूज़ करते हो कि आंसर मिलता है आपको, कहाँ से आंसर मिला है, तो ये आंसर आपके डाइजेस्ट का, ये कोई ऐप नहीं है, कहीं से मिलता नहीं है, मेरे पास डाइजेस्ट रहता है तो मैं पिक क्लिक कर लेती हूँ, अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपको तो कभी कभी स्टूडेंट से मंगवा लेती हूँ, जैसे ही आपके कमेंट्स आते हैं उनसे पिक क्लिक करके, और तभी कभी कभी ब्लर भी रहता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। सो यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर है, मैंने खुद से पिक क्लिक किए हैं, ओके, तो यहाँ पे आंसर देख सकते हो इसके। क्वेश्चन पूछा गया आपको स्केच एंड डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, स्केच भी बनाना है प्लांट सेल एनिमल सेल के और डिस्क्राइब भी करना है, तो यहाँ पे देखो पहला है प्लांट सेल, प्लांट सेल को डिस्क्राइब करना है, सारी चीज़ें तो मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो वीडियो लेंदी हो जाता है काफ़ी, आपको ही प्रॉब्लम होती है कि क्या क्या होता है प्लांट सेल में वो देख लो, ये सारी चीज़ें तो दी है। प्लांट सेल में क्या होता है, सेलुलर सेल होता है, ओके, और आउटर मोस्ट में होता है सेल को कवर करने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म इनक्लोज रहता है, ठीक है, और सेल ऑर्गेनेल्स रहता है, एम्बेडेड रहता है साइटोप्लाज्म से, प्लास्टिड रहता है, इंपॉर्टेंट है ये सेल, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होता है ये जो कि प्लांट सेल में रहता है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक एंड रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, ओके, मिटोकॉन्ड्रिया, ये सब होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ तो आपको पता ही है, और यहाँ पे इसका फिगर भी देख सकते हो, एनिमल सेल को भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, उसका भी आंसर देख सकते हो। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो यहाँ पे देख सकते हो, उसको भी एक्सप्लेन करना है, वो भी एक्सप्लेन है यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो पॉज करके आंसर लिखते जाइए आप अपना, ओके, यहाँ पे आंसर्स देख सकते हो सबके, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, जो भी वीडियोस यहाँ पे आपके बन रहे हैं डाइजेस्ट के सारे आपके कमेंट्स पे बन रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो, व्हाट इज़ योगर्ट मिक्स्ड इन द बैटर, यहाँ पे देख लो रवा इडली का पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो आंसर इसका, ये थोड़ा सा देखो ये क्या डो, डो ये वाला स्पेलिंग है डो, ये गैसेस और ये क्या है आर ए आर ई ये वाला, और ये तो प्रिपरेशंस है, प्रिपरेशंस की स्पेलिंग पता है पी आर ई पी ए आर ए टी आई ओ एन एस, मेकिंग रवा, रवा देखो यहाँ पे है ये रहा स्पेलिंग, रवा की स्पेलिंग है, देख लो इसका आंसर अच्छे से। हार्ड प्रोशन लाइक योगर्ट इडली डोसा बिकम इजी टू डाइजेस्ट, डाइजेस्ट करने में इजी कैसे होता है, तो उसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ देख लिया। क्लियर है, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है, मैं जूम इन करके भी बता देती हूँ, ये ड्यू है डी यू ई, डी यू ई फर्मेंटेशन की स्पेलिंग पता ही है, यहाँ पे भी स्पेलिंग फर्मेंटेशन की, अगर यहाँ पे नहीं दिखे तो यहाँ पे देख लो, ये योगर्ट इज है इज, ठीक है, यहाँ पे आंसर देख लीजिए इसका, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में और टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन जो भी यहाँ पे है, ठीक, कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे ये जो दिख रहा है इन, ये इन है, ये एनी किल्स अटैक्स,
बार बार बोल रही हूँ आपको कि आपको 360 480 पे देखना है तो अच्छे से देखिएगा। ये आंसर देख लो यहाँ पे, वाटर हाउसेस इवन रीजंस लास्ट के जो हैं, जो आपको अगर नहीं दिखाई देगा अच्छे से तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता देती हूँ। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। ओके, आप अच्छे से देख सकते हो। इसके भी आंसर देख लो यहाँ पे, ऑर्गेनिक है ये, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है ये, लास्ट में सी है, NIC। ओके, अब यहाँ पे आंसर देख लीजिए। देखो यहाँ पे दिया गया है, फॉर्ड और सोक किया जाता है, भिगोया जाता है कैटल को ऑफर करने से पहले, तो ये सो थोड़ा फूल जाता है, इजी हो जाता है डाइजेशन में, वाटर उसमें चला जाता है, तो ठीक है। बाकी की चीज़ें यहाँ पे देखो दिया गया आंसर। ये तो वही है आंसर जो यहाँ पे दिया था, ठीक है, ये वही आंसर है। नीचे देख लो ये अच्छे से, और इसके नीचे ये वाला वही आंसर है, तो इसको देख के कुछ मतलब नहीं है, ये ब्लर है, और यही आंसर वहाँ पे दिया गया था, जो आंसर हमने वहाँ पे देखा वही है, अभी जो पेज में देखा था ये है थोड़ा एक्स्ट्रा, यानी कि जो आंसर आपका ये वाला है, ये यहाँ तक हुआ ना, यहाँ तक दीज, यहाँ से दीज, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका दीज आर्टिकल्स, यहाँ से यहाँ पे सारे आंसर्स हो गए, क्वेश्चन ख़त्म है सारे के सारे। एक बार वापस से देख लीजिए ये आंसर, ये आंसर ये जो दिया गया है इसी के आगे से है, ये जो है ना यहाँ पे ये क्वेश्चन, और ये डबल पेज हो गया, देखो यहाँ पे 119 ये पेज, और यहाँ पे भी 119 सेम पेज है, वो वहाँ पे ब्लर था इसलिए मैंने यहाँ पे वापस से पिक्चर लिया है ताकि आपको क्लियर दिखे। और यही पेज यहाँ पे भी है, पर यहाँ ब्लर है, उसे देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। यहाँ से जो रिमेनिंग आंसर है वो है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 3 का ही आंसर है, ये ऊपर भी यही पेज था, तो उस पेज से स्टार्ट करने के बाद आपको यही लिखना है, डबल नहीं करना है क्योंकि सेम क्वेश्चन है। ओके, आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है, कोई डाउट है तो पूछना, और कोई वीडियो आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर का तो जस्ट कमेंट करिए आप।